Hey friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तरबूज के छिलके की रेसिपी. तरबूज के छिलके जिनको आप फेंक देते हैं, ये वीडियो देखने के बाद डैम श्योर कि आप तरबूज के छिलके फेंकने नहीं वाले हैं. इतनी खास रेसिपीज जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक रेसिपी आज शेयर करूँगी, एक रेसिपी इसके नेक्स्ट डे आपके साथ शेयर करूँगी. तो मेक श्योर आप दोनों रेसिपीज ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी आज की ये इनोवेटिव सी रेसिपी कैसी लगी. आई होप कि आपको पसंद आएगी और आज के बाद तरबूज के छिलके कभी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इतनी टेस्टी और इतनी इनोवेटिव सी रेसिपी आप बनाकर जिसको भी खिलाएंगे ना, तारीफ ज़रूर मिलेगी और उसको पूछना ज़रूर कि किस चीज़ का बनाए, गैस नहीं कर पाएंगे. तो फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि आपने तरबूज के छिलके से बनाए, बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा. अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना करें. लास्ट टाइम आपके साथ शेयर की थी तरबूज के जूस की रेसिपी, अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं की है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज़रूर चेकआउट करें और कॉमेंट्स करके बताएँ कि आपको अच्छी रेसिपी कैसी लगी. कॉमेंट्स करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सब कुछ बिल्कुल फ्री होता है. बेफिक्र होकर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड. ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं तरबूज के छिलके, जिनको मैं वॉश कर चुकी हूँ. और वॉश करने के बाद आपको करना क्या है, जो तरबूज के छिलके के ऊपर थोड़ा बहुत ये रेड पार्ट रह जाता है जब आप तरबूज निकालते हैं, तो उसको क्लीन कर दीजिए. साथ ही साथ इसका जो छिलका है उसको निकाल लीजिए. मीन्स आपको चाहिए क्या, केवल ये जो वाइट वाला पार्ट होता है इस तरबूज के छिलके में, आपको केवल यही चाहिए है. आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है. लाइकवाइज मैं सारे छिलकों का ऐसे ही इसका रेड पार्ट अलग कर दूंगी, ग्रीन पार्ट अलग कर दूंगी और आपके पास ये वाइट पोर्शन आ जाएगा. इस तरीके से इसको क्लीन करना बहुत ही ईजी होता है, आप नाइफ की हेल्प से इसको क्लीन कर सकते हैं लाइक दिस. अब ये जो इसके छिलके और रेड पोर्शन बचा है इसको आप फेंक दीजिए और जो आपने क्लीन किया है उसको एक चॉपर की हेल्प से बारीक बारीक चॉप कर लीजिए. अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कद्दूकस का भी यूज कर सकते हैं, मींस ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट भी कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं मैंने इसको चॉपर से चॉप किया, बहुत ही इजीली चॉप हो जाता है और इतना बारीक सा आपके पास कस इसका आ जाता है. तो आप देख सकते हैं सारा का सारा जो हमने निकाले थे इसके वाइट पोर्शन, वो हमने क्लीन कर लिया है और आपके पास ये बिल्कुल रेडी है. तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ यूज किया है, क्योंकि बाकी थोड़े से मैं आपको सेकंड रेसिपी बताऊंगी तो वो मैंने बचा कर रख लिया था. अब मैंने यहाँ पर लिया है एक प्याज, उसमें ऐड करूंगी एक हरी मिर्च और इसको भी हम चॉपर की हेल्प से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे. चॉप करने के बाद जो प्याज और मिर्च हमारे पास आई है वो हम ऐड कर देंगे इस मिक्सचर में जो हमने तरबूज के छिलके से निकाला था. प्याज ऐड करने के बाद बारी आती है और सभी चीजें ऐड करने की, तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बेसन. तो मैं यहाँ पर लगभग 2 से 3 स्पून बेसन ऐड करूंगी, साथ में ऐड करूंगी कॉर्नफ्लोर. कॉर्नफ्लोर इसको एक अच्छी सी बाइंडिंग दे देता है. अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल का आटा या फिर अरारोट भी यूज कर सकते हैं. साथ में इसके ऐड किया है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और बस इसके बाद ऐड कर दीजिए थोड़ी सी कसूरी मेथी एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए. उसके बाद आपको इसे अच्छे से हाथ से मिक्स करना है. ध्यान रखिए पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी काफी गीला होता है. अगर आपको लगे कि ज्यादा लिक्विडी हो रहा है तो थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लीजिए और इसका एक इस टाइप का बैटर बना लीजिए. मींस ना तो ज्यादा लिक्विडी हो लेकिन थोड़ा सा हार्ड हो कि इसके कोफ्ते यानी कि कटलेट टाइप बन पाए. अब मैंने यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है. अब हम बनाते हैं कोफ्ते. कोफ्ते बनाने के लिए हाथ को अच्छे से पहले ऑयल से ग्रीस कर लीजिए. थोड़ा सा मिक्सचर उठाइए, हाथ पर अच्छे से रोल कीजिए. अगर आप ऑयल हाथों में नहीं लगाएंगे तो ये इतने गोल गोल परफेक्टली रोल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लिक्विडी होता है लाइक जो हम लौकी का कोफ्ता बनाते हैं उसी की तरह से. तो मैं हल्का सा तेल अपने हाथ में लगाए रखूंगी और थोड़ा थोड़ा सा ये पोर्शन लेकर इसके गोल गोल से रोल्स बना दूंगी. आप देख सकते हैं काफी अच्छे से गोल गोल रोल्स बन रहे हैं. अगर आप चाहें तो थोड़ा छोटा साइज का रख सकते हैं, चाहें तो थोड़ा बड़ा साइज भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस साइज का चाहिए. तो इस तरीके से मैं सारे के सारे कोफ्ते कढ़ाई में ऐड कर दूंगी और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लूंगी. जब भी आप कढ़ाई में कोई भी चीज फ्राई करें तो हल्का सा ऑयल उसके ऊपर ऐड कर दीजिए ताकि जब आप इसको टर्न करें तो ये कढ़ाई में चिपके बिल्कुल भी नहीं. ये ट्रिक मैं आपको अपने सभी वीडियोस में बताती हूँ. तो इस तरीके से हमने इसको टर्न किया और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे हैं कढ़ाई में और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहे हैं. तो इसको आप चाहें तो केवल ऐसे भी इन कटलेट्स का यूज कर सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं. आप इसको
हरी चटनी के साथ, जो भी आपके साथ मैंने शेयर की है आमी की और पुदीने की चटनी उसके साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर बना रहे हैं इसका कोफ्ता ग्रेवी के साथ। तो यहाँ पर हमारे सारे कोफ्ते बनकर बिल्कुल रेडी हैं, क्रिस्पी हैं, सॉफ्ट हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। ये बनकर बिल्कुल रेडी हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल इसमें छोड़ दिया था, उसमें ऐड किया है थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी हींग ऐड कर दीजिए और उसके बाद आपको ऐड करना है ये ग्रेवी। ये भी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही कमाल की ग्रेवी है। आप देखेंगे इस ग्रेवी की हेल्प से 5 मिनट में आपके कोफ्ते बनकर रेडी हो जाएंगे। थोड़ा सा हमने ग्रेवी का मिक्सचर इसमें ऐड किया है तो उसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। वैसे तो ये ऑलरेडी फ्राई है तो बस आप केवल 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने दीजिए। पानी ऐड करने के बाद 10 मिनट तक कम से कम इसको बॉयल आने तक पका लीजिए। अगर आपने अभी तक ग्रेवी की रेसिपी चेक नहीं की है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में भी, वहां से जरूर चेकआउट करें और इस ग्रेवी को बनाकर जरूर रख लें। अब यहाँ पर मैंने ऐड किया है थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, इसको एक रिचनेस देने के लिए ऐड की है थोड़ी सी मलाई, ये दूध के ऊपर वाली ही मलाई है, उसको अच्छे से फेंट लिया था और उसके बाद मैंने इसको ग्रेवी में ऐड किया है। ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हैं, अच्छा आने लगेगा, थोड़ा सा इसको बॉयल करना पड़ेगा। तो जब ये अच्छे से बॉयल हो गए हैं तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं जो कोफ्ते हमने बनाए थे। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया इस पर स्प्रिंकल कर दीजिए, अगर आपके पास ताज़ा पुदीना है तो वो भी इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। थोड़ी सी चीनी ज़रूर ऐड कीजिए, साथ में थोड़ी सी केचप ऐड कर दीजिए। वैसे ये जो चीनी और टोमेटो केचप ऐड करनी है ये आपको कोफ्ता ऐड करने से पहले ही ऐड करनी है, मैं थोड़ा भूल गई थी इसलिए बाद में ऐड किया है, लेकिन इट्स ओके, ये अभी भी मिक्स हो जाएगा क्योंकि अभी हमें इसको पकाना है। अब थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दीजिए और इन सब चीज़ों को ढक कर कम से कम 10 मिनट तक पका लीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद जब आप देखेंगे ग्रेवी थिक हो गई है, अच्छा सा टेक्सचर आ गया है, तो फ्लेम ऑफ कर दीजिए और सर्व कीजिए इन कोफ्तों को गर्मा गर्म। आप इसको रोटी के साथ सर्व कीजिए, पराठे के साथ या फिर राइस के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। यू कांट बिलीव कि कितने टेस्टी लगेंगे। लास्ट में इसको गार्निश कर दीजिए थोड़ी सी मलाई के साथ या फिर क्रीम के साथ और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी के साथ, और लीजिए आपके गर्मा गर्म कोफ्ते तैयार हैं, वो भी वेस्ट मटेरियल से, जो फेंकने वाले थे ना उससे इतनी अच्छी डिश बना ली है। लाइक तो बनता है ना, जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस टाइप की और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए। और कमेंट्स करके जल्दी से बताइए आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स करना ना भूलें। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये रेसिपी, ये भी हमने तरबूज के छिलकों से ही बनाई है। अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स लिखिए और आपके साथ मैं फटाफट से इसको शेयर कर दूंगी। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल, बाय बाय।